बाद में क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं उसे अफसोस रहेगा कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग, अब जैसे लड़कों का भी ऐसे नहीं है कि लड़कों के लिए नहीं है, बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको क्रिकेटर बनना है वो क्रिकेटर नहीं बन पाते हैं, फुटबॉलर बनना है वो नहीं बन पाते हैं उनको। हेलो गाइस, मैं हूं शिवाली ठाकुर फिर से एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तो गाइस वहाँ पर बैठी है दो खूबसूरत सी लड़कियाँ, तो चलो हम उनसे थोड़े से मज़े लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई लड़का तो दिख नहीं रहा है अच्छा सा जिसे मैं छेड़ सकूँ। तो आज मैंने सोचा लड़कियों को छेड़ा जाए। आदिश एक बार दिखा देना, दोनों बातें कर रही हैं और अकेली सी लग रही हैं, तो चलो उनका अकेलापन दूर किया जाए। यार तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे खुलेआम पार्क में रोमांस नहीं करते हैं, कोई देख लेगा आपको तो क्या सोचेगा बताओ। रोमांस कर रहे हैं क्या आप, देखो तो क्या हो गया, आप रो रही हो? सॉरी सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। अब रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे यार, ऐसा तो नहीं है यार, मैं इतनी ना समझ नहीं हूँ। सॉरी मैंने मजाक करा, जस्ट ऐसी बात नहीं है, वो मेरी आदत है थोड़ा सा मजाक करने की, अब ज़्यादा हो गया हो तो आई एम रियली रियली सॉरी यार, मैं नहीं चाहती थी आपको मतलब ऐसे परेशान करना। कुछ हुआ है क्या? नहीं, इस तरीके से आप पार्क में से, ये पब्लिक की सोच है, ये अपने फैमिली की सोच है, आप खुद इसे चेंज नहीं कर सकते, ये सोच ही है उनके दिमाग में, ही बात है। मतलब क्या हुआ है ऐसा? अच्छा आप मुझे बता सकते हो, देखो यार मैं भी लड़की हूँ, आपकी तरह ही हूँ, तो मतलब समझ सकती हूँ मैं आपकी प्रॉब्लम जो भी है। आप सिर्फ समझ सकते हो ना, लेकिन उस चीज़ का कुछ सलूशन नहीं है ना, हम क्या करेंगे? देखो यार क्या पता, मतलब शायद मैं निकाल सकूँ सॉल्यूशन, दुनिया में देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। ये तो है, बट आपको पता है दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, अगर ऐसा होता तो आज ज़माना इतना आगे नहीं निकलता, टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ती। आगे निकल गया, पर लोगों की सोच नहीं बदली अभी तक, लोगों की सोच। आप मतलब किस बारे में बात कर रही हो ऐसे, अब ये मुझे बताओगे क्या हुआ है? कि लड़कियों को किस चीज़ पे रोका टोका जाता है, एक सिर्फ कि ये पहनो मत वो पहनो मत, ड्रेसिंग को लेकर। अच्छा जैसे मैंने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है तो मतलब, तो इसमें क्या है यार, ये तो आपकी चॉइस है, आपको छोटे कपड़े पहनने हैं बड़े जैसे पहनने हैं वो तो अपनी चॉइस है ना, उससे लोगों का क्या लेना देना, लोग थोड़ी लाके दे रहे हैं कपड़े। लोग बांधते हैं, लोग बोलते हैं, लोग सौ होते हैं वो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन फैमिली बोलती है ना, तो फिर वो जो एक ट्रस्ट वो सब मैं समझ सकती हूँ। देखो फैमिली तो बोलती है, देखो एक टाइम था, मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में थोड़ा सा, एक टाइम था, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि एक्चुअली मैं यहाँ पर आई थी वीडियो शूट करने के लिए। मैं ना प्रैंक्स वीडियो शूट करती हूँ, सोशल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, सामने मेरा कैमरा है, सॉरी मैंने बिना पूछे वीडियो बनाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, मैं आगे बात कर सकती हूँ? क्योंकि जिस टॉपिक पे आप बात कर रही ना, एक्चुअली क्या है, मैं ये शेयर करना चाहूँगी पब्लिक के साथ भी। एक टाइम था आज से 8-9 महीने पहले, 8-9 महीने भी नहीं, 5-6 महीने पहले की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो जब मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो देखो क्या होता है ना कि अब मैं हर टाइम सूट सलवार में या मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस में, इंडियन वेयर में नहीं रह सकती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे नीड होती है शॉर्ट ड्रेसेस की। अब मान लो मुझे कोई पार्टी वाला सीन करना है, तो मैं वहाँ पे सूट सलवार तो नहीं पहनूंगी, ऑब्वियस सी बात है। शुरू में मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी, तो जहाँ जिस गली में मैं रहती थी पहले, वहाँ के जो लोग थे ना वो मुझे घूर घूर के देखते थे, मैं वहाँ पे पहन नहीं पाती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ पे आने में शूट्स करने में। तो मेरा मतलब स्ट्रगल जो रहा शुरू में बहुत ही ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग था। मेरी खुद की जो मम्मी है, मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि यार वो मम्मी मेरी माँ है, बहुत प्यार करती है नो डाउट, और सपोर्ट आज की डेट में उनसे ज़्यादा कोई नहीं करता है। बट हाँ स्टार्टिंग में ना वो मुझे मतलब रोकती थी, बहुत ज़्यादा डांटती थी, वो ज़माने की वजह से, लोगों की वजह से। उनको खुद को, हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट हमारे ना जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि कल के दिन अपने ही घर वाले या अपने रिलेटिव्स में या उंगली ना उठा दें,
हाँ अपने रिलेटिव्स या बाहर का कोई है उनसे आके अगर बोलेगा कि यार तुम्हारी बेटी तो ऐसे रहती वैसे रहती है, पीठ पीछे उनको कहीं से सुनने को मिलेगा तो उनको उनके दिल पे ना बीतती है, उनको बुरा लगता है। बाकी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होते किसी के पेरेंट्स की सोच ऐसी होती है। मेरी मम्मी ने बहुत रोका, इवन मुझे घर से समझ लो मेरा बैग फेंक देती थी कि यहाँ अगर ऐसे कपड़े पहनने तो घर में नहीं आना है, पहनने तो फुल कपड़े पहनो। पर लेकिन धीरे धीरे जब मैं भी ज़िद्दी थी, मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैंने ड्रेसिंग अपनी चेंज नहीं करी, मैंने कहा मुझे ऐसे ही मेरा काम है, मुझे हमारे इसमें क्या होता है ना एक्टिंग लाइन में मॉडलिंग में हमें शॉर्ट ड्रेसेस पहननी ही पड़ती हैं। अगर ऐसा होता कि सिर्फ फुल कपड़ों में ही काम चलता तो आज की डेट में जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं ना वो वहाँ पर नहीं होती जहाँ पर वो आज हैं। लेकिन हम तो तक भी नहीं पहुँच सकते क्योंकि हम भी कुछ करना चाहते हैं और हमें देखो यार देखो तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई नहीं रोक सकता है, तुम्हारे लिमिट्स तुम्हारे अलावा कोई भी जो बाउंड्रीज है ना ये जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आगे इतनी सारी बाउंड्रीज बनी हुई हैं ये तुम खुद बना रहे हो। सामने वाला बंदा बोल तो देता है बट लेकिन यार आपके ऊपर है, आप वो करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। पेरेंट्स को भी तो नहीं वो कर सकते ना। देखो मैं बता रही हूँ ना आपको, पेरेंट्स हो या बाहर वाले हों सोसाइटी वाले हों बोलेंगे, स्टार्टिंग में हर कोई बोलता है, जब तक हम उस जिस मुकाम पर हम पहुँचना चाहते हैं ना लोगों से, जब तक हम लोगों की सोच से आगे नहीं जाएंगे ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी उनकी सोच में ही दब जाते हैं। अब तुम मतलब मान लो जैसे मैं हूँ, मान लो थोड़ा सा मेरा ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ या कुछ हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है छोटा सा है ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ मैंने एक अचीवमेंट हासिल करी है छोटी सी, ठीक है। तो आज की डेट में ना मेरे गली के लोग कुछ बोलते ना मेरे रिलेटिव्स भी नहीं बोलते हैं, इवन वो कहते हैं कोई बात नहीं अच्छी बात है ना कुछ कर तो रही है, कुछ ना करने से बेहतर कुछ कर रही है। गांव के लोग बोल रहे हैं ऐसा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेकिन आपके पेरेंट्स साथ थे ना, हमारे तो वो भी नहीं। पेरेंट्स साथ पहले नहीं थे, मैम यकीन मानो मुझे बहुत दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा, और ये मेरे साथ नहीं ये हर किसी के साथ होता है। जब उनको दिखेगा ना कि उनका बच्चा आगे बढ़ रहा है, अब एक पर ज़माने के साथ अपनी थिंकिंग भी चेंज करनी चाहिए ना सभी को। यार देखो तुम हिम्मत मत हारो, देखो तुम हिम्मत मत हारो, फैमिली से लड़ो भी मत। फैमिली को ना हम देखो जितना उनसे ज़्यादा बहस करेंगे ना वो ही नहीं समझेंगे इस चीज़ को। तुम बस जो करना चाहते हो वो करो, उनको मत बताओ तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस हाँ जो भी कर रहे हो ये ध्यान में रख के करो कि वो सही हो तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के लिए, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, काम अच्छा होना चाहिए। कुछ गलत ना यार शॉर्ट ड्रेसेस देखो क्या है ना, नज़र का इलाज है नज़रिया के नहीं है। अब हम कहीं बाहर निकल रहे हैं हमें पता है हमारी इंटेंशन क्या है, तुम्हें पता है तुम किस इंटेंशन से वो ड्रेस वेयर कर रही हो, ठीक है। तुम अगर वो ड्रेस अपने तुम्हारे इंटेंशन ठीक है तो घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या सोचती है, क्यों वो ऐसे क्यों देख रही है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी नज़र है, वो तुम्हारी नहीं है। तुम निकलो ना यार, खूब पहनो शॉर्ट ड्रेसेस, खूब पहनो जितना तुम्हारा मन कर रहा है। अब मान लो गर्मी का टाइम है, गर्मी में लड़कियों को मतलब शॉर्ट्स पहनने का मन करेगा, गर्मी तो यार सबको लगती है ना, इंसान तो वो भी है, तो क्या हम पहनेंगे नहीं क्या, लड़के तो पहनते हैं ना, सेम चीज़ लड़कों के लिए भी होनी चाहिए। तो उनको कोई रोक टोक नहीं होती, हम लोग अपना फ्यूचर सब कुछ खराब कर रहे हैं इस टाइम क्योंकि हमें भी कुछ करना है आगे लाइफ में। देखो तुम बेफिक्र, कुछ फ्यूचर बनाना है लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत टेंशन है, फैमिली भी देखनी है, फैमिली को भी नहीं, ये चीज़ होती है। पेरेंट्स को ना कहीं ना कहीं जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो यार देखो अंकल आंटी जी जो भी हैं आप सबको ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा शुरू में। देखो क्या होता है ना कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी हेल्प करे, आपका कहते हैं ना सहारा बने, तो उसको वो करने, आज की डेट में ना हर बच्चे को पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, किस चीज़ में वो बहुत अच्छा है, तो उसे करने दो, क्योंकि बाद में क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं उसे अफसोस रहेगा कि मैं ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग, अब जैसे लड़कों का भी ऐसे नहीं है कि लड़कों के लिए नहीं है, बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको क्रिकेटर बनना है वो क्रिकेटर नहीं बन पाते हैं, फुटबॉलर बनना है वो नहीं बन पाते हैं, उनको उनके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है क्योंकि पैसे आगे चल के बहुत पैसे देने पड़ते हैं या जो भी है। लड़की ज़्यादा होता है ना रिलेटिव्स, क्या बोलूँ मैं रिलेटिव्स के लिए तो कुछ नहीं बोलना चाहती, वही उंगली उठाते हैं कि तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर पाया। हाँ
रोकेंगे भी रिलेटिव्स, बाद में अगर बच्चा कुछ ना कर पाए उनकी वजह से तो उसमें भी रिलेटिव्स ही बोलेंगे कि यार तुम ये तो कुछ कर नहीं पाया, तो चलो लड़की होगी तो लड़की, चलो अब इसकी शादी करा दो। तो ये चीज़ देखो सबके साथ है, इस चीज़ को माइंड मत करो। और यार रो क्यों रही हो, रोना तो चाहिए ही नहीं तुम्हें। तुम ना प्राउड फील करो यार, तुम्हारा इतना अच्छा फेस है, आप दोनों का अच्छा खासा फेस दिया है भगवान ने, पर्सनैलिटी इतनी प्यारी दी है आपको, इतनी क्यूट है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ये सब। अपना आगे बढ़ो, आज की डेट में ना प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, आपको भी पता है दुनिया भर के ऐप है जहाँ पे तुम अपना ग्लैमर दिखा सकती हो, आप अपनी एक्टिंग टैलेंट हर चीज़ दिखा सकती हो। सबसे बड़ा है यूट्यूब, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालो, सब कुछ कर सकती हो यार आज की डेट में। एक इंस्टा पे भी रील भी डाल दो तो भी पेरेंट्स अरे वो देख रहे हो, वो लड़का तुम्हारी रील दिखा रहा था, ये कर रहा था। हाँ सेम चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। देखो ये चीज़ ना आप मतलब मेरा एग्जांपल ले सकते हो, मेरी पुरानी वीडियोस भी देखोगे ना तो कुछ टाइम पहले ना मतलब क्या कहते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, दिखाती थी मुझे वीडियोस, मेरी मौसी, मेरी घर के जो कुछ लोग हैं ना, एक दो लोग जिनको दिक्कत थी, तो वो मम्मी ना मेरी वीडियो दिखाती थी कि ये क्या है, ये इसमें इतने छोटे कपड़े पहने हैं, तू घर से चली जा, तूने मेरी नाक कटा दी, तूने मेरी बदनामी करा दी। और सीरियसली आज की डेट में मेरी मम्मी कहती है सबसे खुद कि ये सीने करा है, अरे ये मतलब सबको खुद दिखाती है कि शिवाली ठाकुर नेम से इसका यूट्यूब चैनल है। मतलब मेरी खुद तारीफ करती है। तो देखो कुछ टाइम तक पेरेंट्स बोलते हैं, बाद में सबके पेरेंट्स समझ जाते हैं। पेरेंट्स को भी चेंज होना चाहिए ना दुनिया की थिंकिंग के साथ ही। तो इसीलिए मैं यही चाहती थी कि पेरेंट्स देखें इस चीज़ को, कल के दिन मतलब आपका बच्चा जब आगे बढ़ जाएगा ना तो आपको खुद को लगेगा यार कि चलो आपने कुछ अच्छा तो करा है अपने बच्चों के लिए। उनको मत रोको यार, ज़िंदगी आज है कल नहीं है, यही तो टाइम होता है जब अपने सपने पूरे करने होते हैं। आपको भी पता है कि शादी के बाद आपकी अपनी जो लाइफ होती है ना वो इन्जॉय नहीं हो पाती है, आपको कहीं ना कहीं आपके दिल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, आप भी सोचते होंगे कि यार ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। जब ये कुछ आगे बढ़ जाएंगे, कुछ बन जाएंगे ना, उसके बाद ना ये अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, और आपको भी बहुत प्राउड फील होगा कि यार एटलीस्ट आप नहीं कर सके तो अपने बच्चों को तो आपने कराया है कुछ। तो अपने जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते वो औरों के सपने पूरे करता है, तो आप वही करें, अपने बच्चों को ना रोकें। और अगर ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो, तो अगर इनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो अंकल आंटी जी आपसे निवेदन है विनम्रता के साथ कि इन्हें समझें, ये कुछ करना चाहते हैं और कुछ गलत नहीं कर रही हैं आपकी बेटियां। आपके इनके जैसी जितनी भी लड़कियां हैं जिनको भी मॉडलिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, खूब करो यार, शॉर्ट ड्रेसेस पहननी पहनो, दुनिया की नज़र से यार कोई नहीं बच पाता है, दुनिया बोलेगी बोलेगी, दुनिया में जो कुछ कुत्ते ऐसे लोग हैं ना वो भी भौंकेंगे ही भौंकेंगे, तो भौंकने दो, कुत्तों का काम है भौंकना। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, बट कुछ लोग जो ऐसे करते हैं ना उल्टा सीधा बोलते हैं लड़कियों को, तो यार प्लीज़ ना बोलें, बढ़ने दें लड़कियों को आगे, या जो भी लड़के हैं उन्हें भी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, और बच्चों को ना रोके आगे बढ़ने से, उनके सपने उन्हें पूरे करने दें, क्योंकि आपको पता ही है कि सपने पूरे ना होने का दर्द अलग ही होता है।